आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएजेंट कैन प्रोवाइड डिस्टिंक्ट बिटवीन और डिफरेंस बिटवीन टू आयोनाइजेशन आइसोमर ऑफ द फॉर्मूला CONH3O5BrSO4। ऑप्शन वन है बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ऑप्शन टू है डायल्यूट HCl, देन डायल्यूट H2SO4, देन फेंटॉन्स रिएजेंट। तो अगर हम देखेंगे ये जो हमें फॉर्मूला दिए गए हैं, दैट इज CONH3O5BrSO4, तो इसका क्या हो सकता है, दो आयोनाइजेशन आइसोमर हो सकता है। आयोनाइजेशन आइसोमर मीन्स जहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ओके, चार्ज सेपरेशन ये जहां पे होगा वैसे, मतलब वैसे आइसोमर्स को हम कहते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर। तो दो जो आयोनाइजेशन आइसोमर पॉसिबल है, दैट इज वन CONH3O5Br एंड SO4, यानी कि ये अगर आयोनाइज करेगा तो क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे CONH3O5Br+2 एंड SO4-2, ओके, ये ऐसा आयोनाइज करेगा, एक ये पॉसिबल है। एंड दूसरा जो है, विच इज अनदर पॉसिबल आयोनाइजेशन आइसोमर, दैट इज CONH3O5SO4 एंड Br, ये अगर आयनाइज करेगा तो क्या, जो आयनाइज करेगा तो यहाँ से फॉर्म होगा, दैट इज CONH3O5SO4+ एंड Br-। यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो कोबाल्ट है, दैट इज +3, और यहाँ पे जो कोबाल्ट है दैट इज ऑल्सो +3, ओके। तो यहाँ पे अगर हम जो ये जो आइसोमर है यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एज अ एनायन यहाँ पे कौन सा है, सल्फेट है, ओके, और यहाँ पे एज अ एनायन है ब्रोमीन माइनस। तो यहाँ पे जो कैटायन है, कैटायन को हम ऐसे डिस्टिंग्विश, मतलब अलग से नहीं कर सकते, बट बाहर से हम अगर रिएजेंट देंगे तो ये एनायन को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो बाहर से अगर हम बेरियम क्लोराइड देंगे, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन अगर हम देंगे तो क्या होता है, बेरियम ये जो सल्फेट है, अगर हम जो मतलब फर्स्ट जो आइसोमर है यहाँ पे अगर हम बेरियम क्लोराइड देंगे तो एज अ एनायन यहाँ पे सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड इस सल्फेट के साथ रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देगा, ओके, ये इमीडिएटली बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देगा क्योंकि रिएक्शन मीडियम में सल्फेट होगा और बाहर से हम बेरियम क्लोराइड दे रहे हैं। तो इट इज अ विजिबल चेंज जो हम नोटिस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये जो आइसोमर है यहाँ पे अगर हम बेरियम क्लोराइड देंगे तो यहाँ पे एज अ मतलब बेरियम क्लोराइड का जो रिएक्शन करेगा वहां से बेरियम ब्रोमाइड फॉर्म होगा और ये क्या है, ये वाटर सॉल्युबल है, ओके, तो ये ऐसा मतलब कोई प्रेसिपिटेट नहीं आएगा, बट यहाँ पे बेरियम सल्फेट का कंप्लीटली व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा, ओके। सो दैट्स हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस टू आइसोमर, जो आयोनाइजेशन आइसोमर है, एक तो ये है एंड दूसरा ये जो आयोनाइजेशन आइसोमर है, इन दोनों में हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बेरियम क्लोराइड से। फर्स्ट वन में देंगे तो बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट आ जाएगा, ओके, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज ऑप्शन 1, ओके, बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन। और बाकी के ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो वैसा कोई चेंज नहीं होगा। फेंटॉन्स रिएजेंट क्या है, ये बेसिकली हाइड्रोजन परऑक्साइड सोल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट का एक मिक्सचर है, ओके, तो यहाँ पे भी ऐसा कोई चेंज नहीं होगा। सो बेरियम क्लोराइड इज द ओनली आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।